जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम लोग होली के इतने सारे आइटम्स लेके आए हैं और आपके साथ में पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे। ये हम लोग मैजिकल ग्लास लाए थे, क्यों लगे ना मैजिकल? बहुत मैजिकल थे, मतलब कलर भी बहुत अच्छा आ रहा था इसमें। और इसमें बहुत सारे कलर है, मैं सारे नहीं दिखाए, एक दिखाया आपको। और ये तीन चार पांच बार तो एटलीस्ट हमें लगता हो ही जाएगा। इसमें आप पांच छह बार करीब डाल सकते हैं पानी और कलर अपना भर ले सकते हैं पूरा। और ये जो पिचकारी थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे तो नहीं लगा था ये इतनी अच्छी निकलेगी। इसमें प्रेशर बना के अच्छी लगी थी ना ये, तो इसमें फाइनली हम लोग पानी फिल कर रहे हैं। और पानी फिल करने के बाद ये जो पाइप है इसको अंदर डाल के मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद जरा बताइए कल ही आगे क्या किया। अब इसके ये रिबन्स काट के इसको दिखाएंगे कि इसकी पावर कितनी है। ये देखिए, ये प्रेशर बना के और इसका जो नीचे क्लच था बस उसको दबाइए। बहुत ही स्मूथ चल रही थी। सबसे अच्छी बात है कि मेरा 10 साल का बेटा है, उतना उसको मजा आई। और इसकी रेसेस इतनी फास्ट थी, बहुत दूर का एरिया कवर कर रही थी। इजी टू यूज आप कह सकते हैं उसको। तो फाइनली बहुत मजा आया। ये गैजेट मुझे मिला था, कितने का मिला था मार्केट में? 550। हाँ, उसने 650 का बताया था, हम लोगों ने बार्गेनिंग करी थी तो 550 का उसने हम लोगों को दिया। आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ कितने का ये मिलता है। फिर दूसरी नेक्स्ट पिचकारी थी, मैं मेरी 6 साल की बेटी है उसके लिए लाई थी। तो इसमें टैडी बना हुआ था, एक तरीके की कार टाइप की बनी थी, मिक्की माउस। और इसके भी इन्होंने कट कर दिए। तो फाइनली हम लोगों ने इसको फिल करने के लिए पहले इसमें पाइप जोड़ा। मुझे नहीं लगा था कि ये भी बहुत अच्छी निकली थी। टैंक वाली थी एक्चुअली, इसको टैंक वाली पसंद भी थी। ये रही हमारी वैशु जी जो अब ट्राई करने जा रही हैं अपनी पिचकारी। ये भी बहुत इजी टू यूज थी, बहुत इजी। आप सोचिए इतना छोटा सा बच्चा बहुत मजे से चला रहा है और कम से कम इसमें 5-6 मिनट पानी आराम से यूज कर सकता है। ये गैजेट तो बहुत ही कमाल का था, मैं क्या ही बताऊं। आया था मार्केट में, नया आया था। और वो जो बेटी वाली मेरी पिचकारी थी वो मुझे पड़ी थी 450 रुपए की। और ये जो गैजेट था ये मुझे 350 रुपए का पड़ा था। इसमें एक्चुअली पंप भर के आफ्टर होली हम लोग इसको गार्डनिंग में भी यूज कर सकते हैं, वाटर के लिए, बहुत सारे मॉस्किटोज के लिए और बाकी इन्फेक्शन एरिया में जो इन्फेक्शन जाते हैं, डिटॉल और ये आप भर के इसको यूज कर सकते हैं। तो फाइनली पहले इसमें सारे बलून्स मुझे फ्री मिले थे इसमें भरे हुए, और ये आप बलून्स देख सकते हैं। फिर फाइनली इसमें भी हम लोगों ने पानी फिल किया। पानी फिल करने के बाद अब इसको पंप करना है जिससे इसका प्रेशर बन जाए और फिर ये बैलून फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही आराम से बैलून भी फूल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आपको एयर बनानी पड़ेगी एक बार। और ये मैं क्लच, एक्चुअली मैं पहले ना ऐसे बराबर क्लच कर रही थी, पर क्लच नहीं करना, बस आपको प्रेस करना है। मुझे पता नहीं था, पर आराम से प्रेस करके आराम से हो रहा था। और फिर ये गैजेट मिला था इसके साथ में, ताकि इसमें बैलून्स में रख करके कहीं कितनी भी दूर और एरिया बहुत अच्छा कवर कर रहे थे। देखिए इस तरीके से ये पूरे फेंक सकते हैं आप, कितनी भी दूर आप शॉट लगा सकते हैं, किसी को भी बैलून फेंक के मार सकते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बच्चे भी फन कर रहे थे। ये मेरा बड़ा वाला बेटा सबके ऊपर बैलून फेंक रहा था। तो फाइनली लोग कहने लगे आज ही से होली, आज ही होली शुरू कर दी थी इन लोगों ने। और फिर ही हम लोग कुछ फनी मास्क लाए थे, एक ये शेर वाला था फनी, मेरी बेटी बहुत ही फन कर रही थी, और एक ये येलो वाला था, बेटा मेरा बहुत इंजॉय कर रहा था। तो फाइनली इन लोगों की होली बहुत अच्छी गई। ये भी हम लोगों को एटलीस्ट पड़े थे 50-50 रुपीज के पड़े थे 100 रुपीज में। और ये साथ में मैंने स्प्रे लिया था इसका भी, मैं हाँ फोम वाला था, तो मैं इसको भी। और आपको इसका सबसे अच्छा यूज बताते कि फोम वाले स्प्रे का सबसे अच्छा यूज होता है, जो हम लोग को पिछली होली में पता चला था कि आपको कितना भी भयानक कलर लगाओ इसका फोम आप हाथ में लेके थोड़ा सा रफ करिए और उसके बाद चेहरे को साफ करिए, बहुत इजिली कलर छूट जाता है। और ये साथ में मैं लाई थी कुछ बॉम्ब, जो कलर वाले बॉम्ब थे। इसका वीडियो आपको नेक्स्ट